सबसे बड़ा पहले सांप, बीछी, बिछकापर, बड़े बड़े नाग, मैं तो यहाँ दर्शन दिया। हाँ। और उन भगवान रूप से नहीं हम उनको देखते थे जी, उनकी हम भय नहीं किया जी। आज भी दर्शन देते। अच्छा, आज भी दर्शन देते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसीलिए इनको घुमाई जाती। हाँ, नहीं तपस्या में बाधा डाल, भंग ना दे, मतलब कोई में कोई जरूर खतरा आ जाए सामने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये पक्का है जी, ये मैं संशय नहीं हूँ जी। मतलब जो छाड़ के चले गए तो इनके शीश में लगा कर रख ले थे। तुम्हारा जी काला नाग की काला नाग की है ये। अच्छा, देवर काला, ये तो काफी बड़ा। हाँ, काफी बड़ा, काफी बड़ा, कम से कम ये इसका मुख है 10 फुट का होगा। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह तुम शाम के लगा लो। हाँ, रात भर चाह जहाँ जो हो। अच्छा, सर्प नहीं आएगा, मोर पंख पे एक बार सर्प नहीं आता। इसको भय करता है, ये दुश्मन है जी सर्प का। हाँ, और ये भूत बैताल नहीं आता। मान लो को होकर रात का सपना और चिल्ला उठा था किसी को, रात में सपना उस तरह के आते हैं, तो गलत सपने आते हैं। इसको पंखा ये वो चारपाई में खोद दे। हेलो दोस्तों, चित्रकूट लाइफ में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों, आज हम वन देवी आश्रम में आए हुए हैं और यहाँ पे एक नागा सन्यासी रहते हैं जो काफी, यानी 30-35 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो आज उन्हीं के कुटिया में आए हैं, उन्हीं से कुछ बात करेंगे, उनका सत्संग लेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं, महाराज जी से मिलाते हैं और उनसे कुछ सत्संग लेते हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया है, छोटा सा आश्रम है और ये महाराज जी यहीं पे रहते हैं आश्रम। महाराज जी, महाराज जी हैं और यहाँ पे महाराज जी का धूना जलता रहता है और महाराज जी यहीं पे अपना भजन करते हैं। तो महाराज जी, सीताराम। सीताराम, भगवान कल्याण कर जी। जा महाराज जी हैं, महाराज जी यहीं पे रह के भजन करते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, अभी महाराज जी का भजन लेंगे और महाराज जी का सत्संग भी लेंगे। और ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया दिखा दीजिए, देखिए कैसे यहाँ पे कुटिया है महाराज जी की छोटी सी। यहाँ पे महाराज जी का धूना 12 महीना धूना जलता रहता है और यहीं पे महाराज जी का भजन चलता रहता है। देख सकते हैं काफी छोटी, बहुत सुंदर कुटिया है। तो अभी बने रहिए हमारे साथ, अभी महाराज जी का भजन अभी लेते हैं और सत्संग सुनते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये महाराज जी हैं, तो महाराज जी आपका नाम क्या है? बड़कूदास के नाम से जाने जाइए। अच्छा, ये वन देवी का स्थान है। हाँ। और महाराज जी का नाम बड़कूदास जी। हाँ। और महाराज जी, कितने सालों से आप यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं? यहाँ 35 वर्ष हो गए। 35 वर्ष से आप यहाँ पे तपस्या हाँ, कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो आपके गुरु थे इससे पहले यहाँ पे, आप ही थे? नहीं, हम ही रहे, मतलब गुरु का आज्ञा रही। अच्छा अच्छा हम निर्मोही अखाड़ा के शिष्य। हाँ। और राम आश्रय दास महाराज को उनका ध्यान हो गया जी जी, उन्हीं के शिष्य हम। अच्छा अच्छा तो 9 वर्ष जी। हाँ, 9 वर्ष निर्मोही अखाड़ा में कीर्तन मंडल में ड्यूटी किया। अच्छा अच्छा, मतलब चित्रकूट में जी जी। हाँ, वहीं से हमें ये सब मिला। अच्छा, प्रसाद जी। यहाँ से हम पद यात्रा जाते थे जी। अच्छा, वो समय में कोई गाड़ी घोड़ा नहीं रहे। हाँ, उस समय कहाँ गाड़ी। हाँ, कोई नहीं, ये रोड भी नहीं बनी रहे जी। तो मतलब हाथ बांध के हम जाते थे तो हमारे गुरु जी शीश पर हाथ फेर दिए। जब उनके पांव छुअन खुशी हो गए, उन्हीं के द्वारा जब उन्हें, तो हमें सब कुछ बैराग मिला। अच्छा, गुरु जी के द्वारा पूरा बैराग। हाँ, बैराग आशीर्वाद दे दिया जी जी। हाँ, तो आप जब महाराज जी इस स्थान में आए रहे होंगे तो यहाँ बिल्कुल से जंगल रहा होगा? यहाँ जंगल रहा, प्योर जंगल जी, यहाँ कुछ नहीं। अच्छा, झाड़ी माड़ी काटा। हाँ, और यहाँ कोई फल का वृक्षा नहीं। तो आपने ये स्थान ही क्यों चुना महाराज जी? अब ये तो परमात्मा के देन रही, यहाँ शक्ति रही, क्योंकि ये स्थान बाग काफी ज्यादा अंदर घुस के है, जंगल के बिल्कुल किनारे है। हाँ, और वहाँ से निर्मोही अखाड़ चित्रकूट से काफी दूर भी है। दूर है। तो आपने ये कैसे खोजा कि मैं यहीं पे रुकूं, यहीं पे मैं अपना? अब ये परमात्मा भक्ति बैठ गया अंदर कि मतलब सबसे ज्यादा सुकून मिलेगा, नहीं मन मिलेगा, मेला नहीं सबसे वाला अकेला जी। ये गुरुवाणी है जी जी। तो हमारे गुरु बताते थे कि मतलब अकेले सबसे सुंदर, मतलब राम नाम का जाप ताप सब कुछ होगा जी जी। और जो चुने हुए आदमी पुरुष होगे वो तुमको मिलेंगे। बिल्कुल। तो हम उनसे यह कह रहा है कि महाराज मतलब हमें मांगे का ना पा रहे। हाँ। ना खाने का, ना पीने का, कौन चीज ना मांगे का पा रहे जी जी। ऐसा मंत्र दियो जी, तुम बता ही रहे कि तुम्हारा धूनी जलत रहा। अच्छा, अग्नि माता। हाँ। ये तुम्हारी साक्षी है, तुम्हें कुछ ना मांगे का पारी, सभी धूनी
आपका पूरा कर देगा। जी जी, जी। तो उसी तरह हुआ जी। हाँ ते महाराज जी, आपका धुना 12 महीना ऐसे चलता? 12 महीना चलता। अच्छा अच्छा। 24 घंटा 24 घंटा ऐसे धुना चलता। हाँ, हम कहीं चले भी गए तब भी इसको दबा जाते हैं खाक में। अच्छा। लाउट का अग्नि माता मिलेगा, लव बनी रहती है। हाँ, लव बनी रहेगी। जी जी। और वो दी लकड़ जलाते। अच्छा, अच्छा। ये ओद लकड़ लाग। अच्छा, ओद लकड़ी लगी हुई है, सूखी नहीं खटा सके। जी जी। हाँ, ओद लकड़ी है तो सुलुकती रहती। हाँ, वो धीरे और उसकी आगे भी नहीं छूटे भाई, ये लकड़ी में तेल हुआ। हाँ, ये मतलब तो महाराज जी जब आ रहे हुए स्टार्टिंग में तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। करना पड़ा है जी। दिक्कतों का सामना तो बहुत है, मतलब सबसे बड़ा पहले सांप बीच ही बीच खापर, बड़े बड़े नाग। जी जी। मैं तो यहाँ दर्शन दिया। हाँ। और उन भगवान रूप से नहीं, हम उनको देखते थे जी जी। उनकी हम भय नहीं किया जी जी। आज भी दर्शन देते। अच्छा, आज भी दर्शन देते। हाँ, तो बहुत जल्दी जल्दी अतरे दूसरे बड़े बड़े नाग। जी जी। इच्छाधारी नाग। तो ये तीसरी धुनिया बदला। अच्छा, तीसरी जहाँ बताए रहे उनकी धुनी है। हाँ। वहाँ धुनी रही पहले जी, तो वहाँ सांप बीच बहुत निकलते थे। अच्छा। वो बामी भले पूरे दिन कुछ कह दी। हाँ। तब भी सफेद बीच निकलती थी, सफेद बीच और काली बाली। जी जी। तो फिर हनुमान जी से पूछा तो फिर मतलब यहाँ आगे भेजे। अच्छा। कि यहाँ मतलब काला है। हाँ। तो वहाँ निकल जाओ, तुमको कोई नहीं मिलेगा। तो जैसे यहाँ आए तो सांप बीच मतलब अंदर नहीं आओ, दिखाई दे थे और वहाँ तो अंदर हो जा रहे। यहाँ धुना के अंदर आपके नहीं आते? हाँ, नहीं आते। आश्रम की जो बाउंड्री है। हाँ, उसके बाहर ही रहेंगे। हाँ, बाहर रहेंगे। अच्छा। मतलब यही के अंदर नहीं आएंगे, हम आजादी से रहते। बिल्कुल। नहीं, हरे वाले नाग यहाँ बहुत है। अच्छा। हाँ, वो सुअपंखी। अच्छा, अच्छा। बड़े बड़े नाग है कालिया। हाँ। लेकिन वो यहाँ नहीं आते, दर्शन दे। हाँ, दर्शन देंगे। हाँ, यहाँ आते नहीं। आतंक महाराज जी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा? हाँ, किसी का नहीं, क्योंकि इतने आपके पास आते भी। हाँ, होंगे लोग, मिलते हैं। अगर बीच ही निकली जी तो हम लोगों से कह दिया थे जो को उठाया कि भाई मारो ना। हाँ। हमको बताना। बिल्कुल। ये चिमीटा में दाब कर। हाँ। और उसको बाहर का आते। अच्छा। अगर सर्फ निकाला तो उसको भी दाब कहने रोड़ में का। अच्छा। मतलब मरवाई तो ना न मारी था, इसलिए किसी से बोलते नहीं। हम किसी से नहीं बोल। बिल्कुल। हाँ, ये है। हाँ, नहीं बोलबे ना करिए जब हम उनकी हान नहीं कर रहे, कैसे बोलेंगे। सही बात है। मान लो कोई शक्ति आई है भाई, उनके अंदर भी तो प्राण है, रूप भी परमात्मा का रूप है। ओ बिल्कुल सही बात है भाई। लव लव को जब तपस्या करत रहे आँची की वृक्षा तारी। जी जी। तो वहाँ कालिया रहते थे दो। जी जी। तो वो बार बार दिखाई दे, उन्हें बड़ी खुशी रहे कि भगवान के पुत्र है। हाँ। हम भी मतलब प्राप्त हो जाए। जी जी। तरन तारिणी हो जाए। अल्लाह अल्लाह को देखते थे तो प्रणाम करते थे जी। लेकिन वाल्मीकि परीक्षा ले आते रहे उनकी। हाँ। तो एक भेजिन गढ़का कहन की जाओ लव लव को उसको कह दो तो नांग वहां से चले जाए आनी जागा में। जी जी। तो जब वो गए तो लव लव को बोले कि महाराज अगर हम इनसे नहीं बोलेंगे तो ये हमसे नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, सही है, इन्हें रहने दो। बिल्कुल। यही परीक्षा वो लेते थे। सही। तो गुरु जी कहन की अब पक्के हो गए मतलब इनके भाई ने। हाँ, है? तो कोई शक्ति है कई रूप में आवो थी तो वही हमें भाई ना करे चाहे न मरवावो चाहे। बिल्कुल। सही बात। भले वो हमारे ऊपर वार कर जाए। सही। लेकिन हमें ना करे चाहे। हाँ, यही आज भी नियम है, यही पहले भी नियम। पहले भी नियम था। तो अगर हम किसी के ऊपर छाव करेंगे। सही। भले वो भी सैला। हाँ। तो वो भी हमारे ऊपर छाव करेंगे, हमें कौन संशय न। अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करते। अब देखो जंगल हमारा घर तो नहीं, घर मेरा है। उनके घर में हम कब्जा के हैं। सही है। अगर हम उनको सताएंगे तो फिर उन्हें रुकन देंगे, हटा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी बड़ी शक्ति आ जाएगी तो क्या करेंगे। सही बात है। ये भाई जैसे परमात्मा हमारी मदद करता तो उनकी भी मदद करता। हाँ। यहाँ इतना मोट नांग रहता था वो अजगर। अच्छा, इतना मोटा। हाँ, हम फूल पाती टुहारे सकार मतलब निकल जाए। हाँ। अब आज इतना समय लाग गानी या आपका आगमन भत शक्ति हमें रोके रही। जी जी। कुछ आदमी आ गए। बिल्कुल। तो आपने फूल पाती में हमको पाया। सही है। ठीक है। तो अगर हम वो सहाने जाते थे सुबह सुबह। जी जी। तो भारी सांप चारों में पारा। हाँ।
अच्छा तो बीच में पा पर जा कर तो पूछ में हाँ। तो वो साऊ हुआ तो सन्नक हमें सुर पा रहे अच्छा। तो नमोट 12-14 पसेरी का नाग कई बार ऐसे वह अब तो छोटा चाह रहा था यहाँ बहुत झाड़ी माड़ी थी पहले घनघोर जंगल हाँ घनघोर जंगल था जी जी। तो यही बांबी रही वो साइड में तो वो रुकता था जी जी। एक दिन हनुमान जी से कहें कि महाराज ये तो बहुत बड़ा हो गया जी और ये भाई दिखाओ थे जी। हम भूई में पारी थे जहाँ पा गए हाँ, तो डराए थे ना हाँ लेकिन यही का तो उपाय करो जी। तो हमारा काम न बिहान भरे नाग वो निकला अच्छा तो रोड़ में गया हम्म। तो यहाँ एक गांव खरहा जी तो वहाँ के लड़का है कोटा का तेल वोल लिए कहानी मतलब लालापुर में कोटा था हाँ। तो उन नाग का देखे रोड़ डाकत रहा तो आए लाठी डंडा की बाबा को दे हाँ। बहु बड़ा नाग हम्म। मैं कहा जाने दो हमारे अंदर भाई ना भाई की मरवा दे हाँ। नाम आदेश दिया जी। लेकिन उनका जीव ना माना तगड़ा नाग वो ज्यादा चल नहीं पाते थे तो मार दिया उसको मार दिया हाँ मार दिया अच्छा। फिर बाद मानी जाए हमें पता चला हूँ पथरा वथरा दई मार कर मारी मार कहीं नहीं जाऊ उन्हें तो ऐसे लंबा कर दिया अच्छा। तो हम गए तो वो करीब 12-13 फुट लंबाई रहा वो का जी जी। मोटान काफी रहा हम एक लकड़ी से नाप किए अच्छा सर्प का तो मतलब हनुमान जी फिर उसको मरवा दिया जी। बाकी हम अपने हाथ पे नहीं मारे और कालिया आवे आते जी जी। तो शंकर जी तक आते रात में भी आते हैं दिन में भी आते हैं जी जी। तो उनकी हम ये मतलब केचुल समेट के अंदर रखते हैं अच्छा मतलब जो छाड़ के चलेगी तो इनके शीश में लगा कर हाँ। रख ले थे महाराज जी। काला नाग की काला नाग की है ये अच्छा प्योर काला तो काफी बड़ा हाँ काफी बड़ा काफी बड़ा कम से कम ये इसका मुख है 10 फुट का होगा हाँ ये मतलब ज्यादा नहीं तो 2.5-3 हाथ तो लंबाई हाँ, है इतना तो भाई है ये इसका मुख है अच्छा। शंकर जी में हम कायू जो देखा अच्छा अच्छा तो ये मतलब उसी के ऊपर जब पहले तो ऐसे शांति से बैठ रहे जब हम गए तो फिर ये मुंह फुलाओ अच्छा तो हम मतलब वापिस हो आए थे दर्शन लेके इस तरह के नांग नांगिन यहाँ रहते हैं महाराज जी। दोनों टुकड़े एक ही के हैं कि अलग अलग है ये जो अलग है अच्छा ये देखो यहाँ तक पूंछ हाँ, हाँ, हाँ। पतली है जी, जी। यहाँ इसका मुंह है हाँ। ये एको खंडित ना है ये पूरा सलग्घा है हाँ पूरा सलग्घा अच्छा इसके टुकड़े है ये नांगिन अच्छे नागिन है नाग नागिन दोनों जोड़ा रहे हाँ दोनों जोड़ा अच्छा ये यहाँ इसका मुंह है जी जी। और ये मतलब काई था टुकड़ा हो गया है और ये इसकी पूंछ है जी ये हाँ ये तो दोनों का जोड़ा है लेकिन कभी नुकसान नहीं पहुंचा ना हाँ कहीं ये शंकर जी था ये मतलब ये केचुल को छाड़ा ये जब छोड़ते हैं तो मंदिर के पास ही हाँ मंदिर के पास में छाड़ते साक्षात भगवान का रूप है हमारा हाँ। तो एक संत ने बताया कि इनको रख लेना जी जी जैसे कहो कि भूत बैताल लाग है हाँ। तो थोड़ी ताबीज में डाल दिए अच्छा बभूति और कुछ चीजें तो मतलब वो से भूत बैताल इनसे मतलब भाग जाता अच्छा इसकी ताबीज जो कोई बनवा लेता है तो भूत वो तो इस तरह का मतलब सब हाँ हाँ भाग जाता भाग जाता है और जैसे कहो कि कुष्ठ रोग हाँ। मतलब सफेद हो जाते अच्छा, सफेद दाग इसको हो जाता हाँ, इसको जला कर सरसों के तेल और नींबू से इस्तेमाल कर ले तो मतलब उसका दाग हट जाएगा। तो कैसे विधि क्या बताएं महाराज जी बनाने की विधि यह है कि इसको जला डालो इसे जला के राख बना दें खाक बना लो हाँ। तो कोई तवा वो में जलाओ हाँ। वो मिल पाए उसकी खाक बिल्कुल बिल्कुल फिर ये मैं सरसों के तेल ना कहने तो पीतल की लोटिया से घटाई कर दे पीतल की लोटिया से घटाई कर घटाई कर दे इसमें कपूरी पान ना दे एक था और दो चार दाना लाइची के ना दे इसको बना के कोई डिबिया उबिया में रख लियो जी और एक दो तीन बूंद नींबू चुआ दिया पहले जी और बना के धैल्यो बस जहाँ हुआ तो सूर्य नारायण का हनुमान जी का ना लेकर
इसका मतलब लेपन करें तो ऐसे जो है तो सफेदी हट जाती, सफेद दाग खत्म हो जाए। हाँ, लेकिन जौन यहाँ बाहर जौन बचपानी से बाहर, हाँ, अब जैसे पूरे सफेद है कोई कोई, जी जी, वो तो बचपानी का उसका मतलब है वो नहीं सही होगा, वो नहीं सही, जिसको बीच में हो गया, हाँ, है, बीच में थोड़ी थाड़ा, हाँ, दाग हो, हाँ, मुंह में हो जाए तो कहो के हाथ में, हाँ, किसी के हाथ पैर में, कहीं मुंह में हो जाता, तो वो हट जाता, वो हट जाएगा। हाँ, और ये भगवान के बाण है, ऐसे नहीं हो जब कुछ पाप हो, बिल्कुल बिल्कुल, तब मतलब भगवान के बाण आए, जी जी, पहचान के ये पाप किया तो ये सफेद शरीर हो जाता, सही है। हाँ, लेकिन मानु बन के फिर सबका जिया, सही है भाई, अब गलती की है तो गलती का भी सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, सामना तो गलती की है तो उसका फल तो मिलेगा, मिलेगा, इसी जन्म में फल मिलता है भाई। पेड़ दिया बाबा बंबूर का, जी जी, तो अमावा कहाँ से हो, अमावा कहाँ से हो, सही कह रहे हैं, पेड़ बंबूर का है धर्म, आम का है धर्म, जी जी, तो हम यहाँ आ गए, किसी का नहीं देखा, न बागा दौर की, न कोई रिश्तेदारी, न घर, 14 वर्ष राम वनवासी और तापस भेष विशेख उदासी, जी जी, तो यह मंत्र के द्वारा हम रहे तो यहाँ आज सब कुछ होगा, उन्हें तो बन रहा थोड़ी थाड़ा जो होगा, और यह हम किसी से कहित भी नहीं है कि हमारा यह बन जाए, जी, ये तो इच्छा जागृत हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब बन जाए और नहीं बने तो न बने, सही, और ये जिसमें बैठे हैं हमें यतना चाहिए अंतकाल तक, जी जी, मतलब हमें कोई महल न चाहिए स्पेशल, जी जी, ना हमें पंखा कूलर चाहिए, सही, ना हमें गैस सिलेंडर चाहिए कि हम रोटी बना ले, या न बनाओ, जी जी, उनके द्वारा कुछ हो जाए, बिल्कुल, हमें आत्मा के द्वारा न चाहिए, आप किसी से कुछ मांगते नहीं, हाँ हाँ, बस यही गुनाह है हमारे गुरु का कहना, जी जी, कि चाहे प्राण चाहे जाए पर कोई से कुछ मांगे, हाँ, किसी से कुछ मांगो नहीं, लेकिन इन्हें टाइट रखो, जी जी, हाँ, धुना जलना चाहिए बराबर, हाँ, धुना मकामी ना, सही, यही तुम्हारा साक्षी है, जी जी, बिल्कुल, हाँ। महाराज जी जब आप आए होंगे तो खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो पाएगी? खाने पीने की व्यवस्था कुछ दिन मतलब हम जंगल की ओर ही जाते थे, अच्छा, करीब 5-6 महीना, हाँ, तो वहां से कुछ हाथी पाती एक वृक्षा में गाद निकले थी सफेद रहने थी, अच्छा, उसको धावा कर धावा कहते, धावा धावा की गाद, हाँ, धावा है, कर धावा है, अच्छा, कुल्लू है, कुल्लू, हाँ, तो वो बिल्कुल गंगा जी से ही उजर फक रहे, अच्छा, तो पौवा छटाक उसको ले आते थे, हाँ, और फुला कहनी उसको पाते थे, और जंगल से बेल पत्ती, अच्छा, अब तो हमें बहुत प्यार होगी, जी, बेल के बीच फरेला कुटिया के अंदर, जी, लेकिन जब वो हम संकीर्ण हमें झाले कपारा और प्रेम से झाला, मतलब का हम भय नहीं किया, तो 5-6 महीना, जी, यहाँ अगर कोई कुछ सीधा पानी लेके आओते तो कुछ ऐसे लोग भाग रहे, जी, मतलब वहां तुम क्यों जा रहे हो उल्टा सीध, हाँ, लेकिन वो हमार निकाय किया, मतलब आशा का टोरा, कुछ लोग आते थे, कुछ लोग मना करने वाले भी, हाँ, कि वहां लेकर न जा, वहां लेकर न जा, तो तुम हमारा गुरु वहां जंग रुआ कत रहे, हाँ, मतलब हमारे आशा का टोरा, अच्छी बात है, बिल्कुल, हाँ, तो मतलब ये नया कि हमारे साथ गलत किया, जी जी, हमारे आशा का टोरा, यानी आप किसी से आस लगा के ना बैठी, हाँ, को लेके आशा करो तो परमात्मा की करो, बिल्कुल बिल्कुल, भगवान बजरंग बली, जी जी, तो इसमें हमारा दिल भी नहीं टूटता था, सही है, पता हो पाजान की आप रोक दिया है, जी जी, तब भी मतलब तुमसे प्रेम, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो महाराज जी गाद वाद जो खाते थे तो उसमें आपका पेट बहुत भर जाता था, हाँ, मतलब हमें शांति मिल जाए, अच्छा, आत्मा शांति, जी जी, बस हो गया, और बस भगवान का नाम लगा कर, कितने सालों तक महाराज जी ये सब खाए हैं? ये करीब 6 महीना, 6 महीना, हाँ, 6 महीना, इसके बाद फिर अन्नपाती सब कुछ यहाँ हो गया ऑटोमेटिक, आज तक किसी की द्वार मांगा नहीं गया, आज का वही नियम है, प्राण चाहे जाए अब ती तो हंसा मोती चुना नहीं तो लंघन कर जाए, जी जी, हाँ, वो नियम से आई, किसी से आज तक मांगे नहीं, हाँ, मांगे नहीं, भले ही आप पत्ती खा के, हाँ, बस आज भी वह नियम, आज भी वही नहीं, अननिक्का मिठा, जी जी, कि मतलब हमें अच्छी चीज खा के मिल जाए, नहीं, हमें नमक रोटी जो सामने आ जाए वही मिल जाए, वही खा लेते, हाँ, उसी का पा लिया,
महाराज जी यहीं पे रहते हैं कि कहीं जाते भी हैं कुटिया? जाते हैं। अच्छा। अब जैसे चित्रकूट है, मथुरा वृंदावन है, तो जाइबे हम दो इन तीन रोज का, कि हमारा ढूंढना ना टूटे। अच्छा। अगर घूम आए मतलब पहले गए विंध्याचल के खाती पहाड़, इसके बाद मथुरा गए, तो वहाँ गोवर्धन का परिक्रमा लगाया, दर्शन लिया राधा रानी का, उनके कुंड का, वहाँ पानी पिया, वहाँ के मतलब जल लाए अपन कुटिया। हमारे गुरु का कहना है कि चाहे जहाँ जाए तीर्थ स्थल, लेकिन जल जरूरी लाओ, वही तुम जल जरूर लाए। हाँ, तीर्थ का पहचान यही जल, वहाँ का जल जी। और जब स्नान कराओ देवी देवता का, तो उसको दूध डाल, उस स्थान का जल जरूर चढ़ाओ। हाँ, जल जरूर चढ़ाओ। पहले जी आप थोड़ी सी डाल दें। हाँ, थोड़ी एक बूंद, एक बूंद उतने में पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, वो गंगा जल बन जाएगा। बिल्कुल। तो हमारे पास नल में तो पानी ना है। अच्छा। कहू जागा क्या तीर्थन क्या? अच्छा, अपने नल में ही डाल दिए? हाँ, नल में डाल दिया। मान लो कहीं ध्यान नहीं हो, भारत जी में गुरु जी नहीं ना वहाँ। हाँ। तो जब भारत जी कहानी मतलब रात तिलक ना भा, तो वो कहन की ये ठीक ना है, तो भारत जी में स्थान उन्हें भारत जी का दी जी, वहाँ कुआं पहले से बना था कुप। हाँ। तो उसी में गुरु जी मतलब जल नवा दिया, पूरे तीर्थों का जल उसी कुएं में डलवा दिया। जो आए रहने वशिष्ठ मुनि जी और नायन ही अत्रि मुनि, वो जल को मतलब इन सब संत रहे सत्य ऋषि जी, तो फिर अत्रि मुनि के हाथ से मतलब पकड़ कर लोटा ऐसे नवा लगा जी। इसीलिए अमृत बन गया पूरा, वो अमृत बन गया जी। तो कहा थी सब गंगा बार बार, तो भारत जी एक बार, और सब गंगा बार बार जी, तो सर्वभंग ऋषि एक बार, एक बार सर्वभंग ऋषि में भगवान बाण मारी जी, तो वहाँ का भी बड़ा महात्म है जी बाण का। हाँ। और सर्वभंग ऋषि का क्रिया दाह किया जी, ठीक है। जब जात रहे ब्रंज के धामा, और श्रवण सुने बन आए रामा जी, सुचिचिन महाराज लेवा के आओ रहे, तो श्रवण माने कान, तो सुनिन के यहाँ राम जी आओ थे, शंकर जी की यहाँ जात रहे गायपीनाथ जी, और उनके शरीर में कुष्ठ रहा, अच्छा रोगी रहे। हाँ। लेकिन तपसी रहे, साधारण नहीं रहे, तो शरीर अत्याग रहा, शरीर छाड़ेगा। हाँ। भगवान आ गए, भगवान के जहाँ देखिन भरनायन, रोग भाग गया, निर्मल बचे, और समय आ गया तो शरीर भी छाड़ दिया जी। तो भगवान स्वयं लक्ष्मण और भगवान उनके चीता बनाया, और माता जानकी तीनों जने मतलब मिलकर उनका उनका दाह किया, यानी साक्षात भगवान ने उनका दाह किया जी। संस्कार किया जी। तो दो तीन जगह दिखावा का भगवान के ऐसे नियम रामायण में जी, कि वहाँ सर्वभंग ऋषि का किया जी जी, और यहाँ से जब सीता का हरण रावण किया, तो फिर जटाऊ का किया जी जी। तो जटाऊ का पिता मान कर जी मतलब दाह किया भगवान, चंदन की लकड़ी लक्ष्मण जी आए जी, और जटाऊ से कहें कि भाई वहाँ हमारे पिताजी मिलेंगे दशरथ जी जी, तो वहाँ ये न बताना कि मतलब जानकी जी हार गए, इतनी रोक लगाई रहे जानकी जी को, माने हरण न बताना, हरण न बताना है, इसलिए कि शोक में मारे हम आए जी, तो मारे में उनका बड़ा भारी शोक हुआ। बिल्कुल। तो ये बात गुप्त रहना जी। तो जटाऊ बोला कि नहीं ठीक है, हम ये बात नहीं बताएंगे जी। और भारत जी जौन है, तो राजा दशरथ का दाह भारत जी किया जी। तो दशरथ जी कह रहे हैं कि पृथ्वी में जहां मुर्दा न फूका गया हुआ, अच्छा जलावा गया हुआ, वहां मतलब तुम हमको जलाना, तो वहां पर दृष्ट से दिखी ना, तो पूरी पृथ्वी में मुर्दा जलाए रहा, कोई ऐसे भाग शेष नहीं था, कोई जगह नहीं बाकी थे जी, जब से सृष्टि रची पहाड़ पहाड़ सगले हर जगह। तो फिर वहां पाए तप से, गुरु की आज्ञा से ये यमानी धरती बनाया गादी में, अच्छा अपने हाथ से। हाँ, गादी में। हाँ। तो पृथ्वी बना लिया तपस्या से जी, यही में चीटा बना के ऐसे रख के धरती में, फिर मतलब उनको जलाया, अय्या अंगुरी का खोइनी बना लिया, जैसे खुआवत नहीं है आदमी। हाँ। लकड़ी से जी, तो इसकी खोइनी बना लिया, मतलब आगे का नहीं जला तो खुआओ। हाँ। तो इसीलिए ये तारजानी कही जाती जी, मतलब ये पूजा पाठ में अंगुरी नहीं आओ जी, लड़ाई झगड़ा हो कोई तो पहले यमेर करी जी,
ये दुश्मन आ एक तरह के तर्जनी हाँ, बीरछा लाग है फल लाग है तो ये पहले पहुंची हाँ। तो कहो कहो के अंगुरी महान भी हो जाते वो बतिया मर जाए ऐसी मतलब अंगुरी है ये नष्ट करने के लिए बनी हाँ जी। ये खौनी है जी। तो हवन धूप कुछ कीन जाते तो इसको सकेल के मतलब ये से ये न चली तीन अंगुरी में इसलिए इस तर्जनी को हाँ को कर दिया पीछे रखो आगे न बढ़ाओ जी जी है लाठी को होगी मारे गए तो पहले यहाँ हाथ जाए मतलब आगे बढ़ी बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही है तो ऐसे बहुत साधन जब संत महात्मा तपस्या करते हैं तो इस तरह पूरा कर हाँ ये इसको पहले दबा ले पहले दबा ले नहीं ये बिगुन कर देगी बिल्कुल बिल्कुल हाँ इसीलिए इसको घुमाई जाती हाँ नहीं तपस्या में बाधा डाल भंग ना दे मतलब कोई में कोई जरूर खतरा आ जाए सामने बिल्कुल हाँ ये पक्का है जी ये में संशय नहीं है जी बिल्कुल बिल्कुल तर्जनी का निर्माण ही इसलिए होगा हाँ इसलिए होता है तर्जनी महाराज जी यहाँ पे आप अकेले ही रहते हैं कि आप साथ में कोई रहता नहीं अकेले अकेले ही आप यहाँ पर आके भजन करते हैं दिन में कोई आ गया साथी संत अच्छा अच्छा तो वो रहते हैं अच्छा। कि तो केवल बाहरी संत आ गए अच्छा बाहरी भी आते हैं यहाँ पर हाँ बाहरी कल रहे यहाँ इलाहाबाद के अच्छा आज उमाई कर चलेगी हाँ कल परसों आएंगे अच्छा मतलब आवागमन हो रहा था आते जाते रहते हैं हाँ पर निर्धारित यहाँ कोई नहीं निर्धारित कोई आप ही हैं यहाँ पे हाँ निर्धारित संत यहाँ आते रहते हैं लोग भी हाँ आते रहते हैं जी और पहले दो तीन बार से यहाँ कोई नहीं आया अच्छा मान लो एक तरह का झड्डर लोग बाग मानते थे हाँ। लेकिन जहाँ सच्चाई है वो सच्चाई रहे है? क्या मानते थे इस स्थान को एक तरह के ऐसे लोकल ऐसे बैठे हाँ। आज भी वह नियम है जी जी तुम नए नए हो तुम साधु बन के बैठ जाओ हाँ। बैठो सत्यता से लेकिन साल दो साल तुम्हें लोकल आदमी समझी हाँ। जो पहचानत बिल्कुल जो नहीं पहचाने वो मानेगा कि ये महात्मा बिल्कुल है? तो हम नए नए में जब शरीर रहा जी तो ऐसे पुरुष रहे आज भी है वो नियम बिल्कुल बिल्कुल फिर जब वो सच्चाई देख चले गए तो अब तो पहले आओ थे जो अपन लोकल समझ पहले ही आते हाँ यहाँ आते हैं जी समझ में आ गए बिल्कुल कोई चीज नहीं है तो पूछते हैं भाले न ली हाँ। का चीज न है पूछते जरूर है हाँ पूछते जरूर है इतना बहुत है बिल्कुल मतलब सच्चाई आ गए सही उन्हें ज्ञान होगा कि नहीं सच्चे हैं बिल्कुल 35 बारिश में सच्चाई मतलब मिली हाँ। महाराज जी मोर पंख इधर रखे हुए हैं ये मोर पंख का है मोर पंख मतलब ये जब आराधना करते हैं शाम सुबह अच्छा तब मतलब देवी देवता जो अंदर है हाँ, तो अच्छा मतलब हाँ, हाँ, हाँ ये है इससे मतलब क्या होता है महाराज जी मतलब जा इससे भगवान कृष्ण का आम का पर्व अच्छा ये भगवान मतलब, कृष्ण को बहुत प्रिय है मोर पंख कोई दुखदाई है हमारे अज्ञानता में जी तो पक्का आना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल और इस तरह तुम शाम के लगा लो हाँ। रात भर चाहे जहाँ जो हो अच्छा सर्प नहीं आएगा मोर पंख पे एक बार सर्प नहीं आता इसको भय करता है ये दुश्मन है सर्प का हाँ। और ये भूत बैताल नहीं आता मान लो को होकर रात का सपना और चिल्ला उठा था किसी को रात में सपना उस तरह के हाँ तो सपने आते हैं इसको पंखा ये वो चारपाई में खोद दिए अच्छा सपना नहीं होगा अच्छा इसीलिए पहले पुराने बुढ़े खोसे रहते हाँ, थे खोसे रहते थे हाँ। पहले चारपाई में देखने को मिलता था कि हाँ, मोर पंख हाँ, लगा रहता था लगा रहता था और वो भी जहाँ सर रहता था वहाँ पे लगा वहाँ सर का ही सर का ही आज भी लगाते हैं आज भी लगाते हैं जय ज्ञान है अब तो लोग तखत वखत हो गए तो अब कहाँ लगाते हैं पुराने लोग बहुत लगाते हाँ भला तखत में भी सिस्टम बन जाते जी जी कोई कोई तार वार से अब लोगों को जानकारी नहीं है हवा में बांध दिए हल्ला होएगा नहीं बिल्कुल हाँ। अब आपने जानकारी बता दी अब देखिए आपकी जानकारी से भी लोग लगाएंगे हाँ लगाएंगे बिल्कुल ये बहुत शुभदायक शुभदायक है ये भगवान कृष्ण के जब अपने सर पे लगाते हैं मोर पंख है ये साधारण चीज नहीं जी जी तो महाराज जी कहाँ से लाए हैं मोर पंख हमारे कुटिया में जानवर बैठे थे अच्छा अच्छा कहीं कुमार से गिरा लग
अच्छा नवरात्र। हाँ हाँ अभी यहाँ बारे बारे भी इच्छा है। हाँ छाड़ जाते मोर के आटो अपने आप गिर जाते हैं। हाँ अपने आप। अच्छा ये दीपावली तक में पूरे गिर जाएंगे। दिवाली में जब दिवाली वाली खेलने आते हैं लोग। हाँ तो बहुत सारे मोर पंख लिए रहते हैं। ले रहते भाई जंगल में छाड़ थी। जंगल में छाड़ बिरछन में जहाँ बैठ का लाग भाई। हाँ हाँ तो उनको फिर ना निकलते होंगे। हाँ अंदर से वो फिट हो जाती। अच्छा और बाहर वाला गिर गया तो मतलब अंदर से वो बन चला होता पंख। यानी पुराने गिर गए नए निकला। हाँ नए निकल उगले आए जी। हाँ तो खाली ये मोर पंख मोर में ही होता कि मोरनी में भी होता। नहीं होते हैं लेकिन उनके छोटे होते। मोरनी के छोटे होते ये जैसे ऐसे ऐसे। अच्छा वो बाढ़ते नहीं है। अच्छा उनका रंग आन रही। अच्छा मतलब छोटे छोटे ये जो आंख बनी रहती है तो मोरनी में भी बनी रहती है कि मोर में बस रहती। नहीं मोरनी भी में रहती है। अच्छा लेकिन छोट रहेंगे। छोट रहेंगे और जो बड़ी पुछार है उसको मोर कहते हैं। हाँ उनके बड़े बड़े हो गए। आँख ही सब में रहती। आँख ही सब में रहती। अब ये चाले चाले कट आ जाते। हाँ ये चले चले जैसे घटते। हाँ हाँ तो मतलब कट गए। नहीं देखो बड़ा पंख माँ नहीं नहीं बहुत सुंदर लगता है महाराज जी। हाँ अब देखिए कलर इसका कितना अच्छा है। प्राकृतिक रूप से बताइए भगवान ने कलर दिया। हाँ अच्छा सुंदर देखते जैसे गाँव चराने वाले हैं। हाँ तो उन्हें 150 हम दे दी। अच्छा एक दिन ये मुठावा एक चराओं वाला ले रहा। अच्छा हम एक जागे जा रहे हैं भरत जी। हाँ तो फिर उसको 20 रुपया दिया सील पान का। जी जी पहले उसे ठहरावा कि दिल ना टूटे। हाँ हाँ बिल्कुल मगर इसको दे सकते हैं। हाँ तो अनमन अनमन बोला। हाँ जाए 20 रुपया सीरी का दे दी। हाँ कहा बाबा जी हम तुमको और देंगे। हाँ मगर तो हम पैसा भी देंगे। बिल्कुल तुम जुहा जुहा हम आ दिया जितते हो। सही। हाँ तो इस तरह भी या इधर उधर से कुछ। हाँ इधर उधर जैसे गाय चराने अपने जंगल में गए। कुछ हम पाड़ा मिल गया। हाँ तो अपना दे दिए। और जो बहुत पुराने हो गए। हाँ उनको गंगा जी में छाड़ गई। अच्छा जो बहुत पुराने हुए। अच्छा हाँ महाराज जी चाहे जब तक रखा रहे इनका कलर नहीं उड़ता। कलर नहीं उड़ सके वो उसी तरह रहे। उसी तरह रहे जस का तस। चमक इसी तरह आँख उसी तरह बनी रहे। उसी तरह कलर उसी तरह पूरे उसी तरह। देखिए बताइए महाराज जी कितना सुंदर बनाया है इनको। अभी यह हसिया का बना। हाँ ये देखो इसमें भी देखिए कितना सुंदर कलर है। ये भी कितनी कलर। और ये जो ये छोटी आँख का गोला कम है। हाँ ये और ज्यादा सुखदायक। जी जी ये एक आँख का है। ये एक आँख का है महाराज। हाँ चारों का इसमें चारों तरफ है। हैं यह में थोड़ी के एक ही जगह बिंदी। हाँ तो यह में तो हर काम में लागत। अच्छा ये ज्यादा सुखदायक ये पंख। अच्छा जहाँ ये पंख रहेंगे वहाँ लक्ष्मी का निवास। हाँ निवास रहेगा महाराज जी। इन दवा में भी आते हैं ना। हाँ दवा भी में आते हैं। क्या दवा बनती है इनकी महाराज जी। दवा मतलब ये भी काम कर रहे थे जैसे कहो श्वास श्वास बिगड़ी है। अच्छा तो पुराने पंख हो नए नहीं पुराने तरफ जला कर जी। और ये महीपर के साथ। अच्छा चाट ले मतलब दो एक काली मिर्च। हाँ दो चार रोज। हम्म। तो मतलब शांति मिल जाएगी जिसको श्वास चढ़ती है। हाँ श्वास लेने दिक्कत होती। दूसरे नंबर मान ये काम देते जैसे सन्नपात। अच्छा सन्नपात को होगा है तो इसको जला कर। सन्नपात क्या हमारा जी। सन्नपात एक है तो बीमारी जैसे कहो कि बच्चा हुआ। अच्छा तो सन्नपात होएगा। सन्नपात मतलब शरीर स्थिर होएगा। अच्छा तो फिर कुआ में दिन जाती तो मतलब उसकी ठंडी दूरी हो जाती। ठंडी दूर हो जाती। ये उजर वाली घींची। अच्छा घुंगचू। हाँ लेकिन जला कर। जला के उसकी बबूत बना। हाँ जला कर न दिन जाए तो प्राणों लगे मतलब बच भी नहीं सके सफेद घुंगचू। जी जी हाँ जहर का काम करेगी। जहर का काम करे। जब जला दिया जाए दवा का काम करता। हाँ दवा का ये है। और ऐसे पिया दिन जाए तो वो जहर का काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ इसलिए कि घुंगचू में बहुत से नारी खत्म हो गई। सही अज्ञानता में सफेद जो सफेद। हाँ सफेद घुंगचू। जहर भी है। जहर भी और अमृत भी है। अमृत भी है। जो विधि नहीं जानता तो उसके लिए जहर है। हाँ अगर विधि से बना जाए तो अमृत है। अब घी हम आई पर एक में मिला के खा ले तो इंसान खत्म हो जाए। जी, काम करता है। जी।
अब पहले एक चीज खा ले चाहे घी खा ले चाहे माइपर कुल न हो राइट वही दू बूंद ना के फेंट के खा ले मन मृत्यु है कौन बैद फिर नहीं रोक सके कोई नहीं रोक सकता ये उसका प्रभाव ये बिल्कुल हाँ तो इसीलिए ज्यादा ताकतदार चीजें एक साथ नहीं दी जाती ऐसे भी जानकारी बहुत मान लो ज्ञान में जैसे को कई डाल और तो या क्या का बता कर हाँ हाँ तो मतलब तमाम ऐसे हम केस सुना जी जी कि खत्म हो गई बिल्कुल तो ये जानकारी मानी मतलब कुछ आदमी का सत्संग से पता हो जाते कि ये ठीक नहीं बिल्कुल इस जानकारी सत्संग से यही तो जानकारी लोगों को अभी जैसे पीला वाला कड़ाइल है इसका फल को घोट कर खा ले का मृत्यु जाहिर है जाहिर है और इसमें खाता है बदसुवानी बांट के धाई दे सरसों के तेल से तो मतलब वो खाता था दो तीन रोज बहा दे और बद का बैठा दे ये शक्ति है और ऐसे खा पी ले तो मन मृत्यु बाबा जी जय सिया राम आओ बहुत दिन में दर्शन दे उमापत महादेव की जय मथुरा वृंदावन बिहारी लाल 9 लाख गौमन की जय 16108 पटरानिन की जय भगवान कृष्ण की जय वन देवी माता की जय बजरंग बली महाराज की जय चित्रकूट राम की जय अपने अपने माता पिता की जय अपने गुरु महाराज की जय हर हर महादेव ओम नमस्ते।